स्वागत है एक बार फिर आपके अपने शो में टैक्स इट इजी, जहां हर हफ्ते हमारे एक्सपर्ट्स आपके जीएसटी और टैक्स रिलेटेड कुछ संकीर्ण सवालों का बड़ी सरलता से जवाब देते हैं। वी हैव द प्रिविलेज टू होस्ट अमित कुमार गुप्ता जी, हु इज अ सीए टर्न्ड एडवोकेट। ही इज एन ऑथर टू मेनी बुक्स, मेनी आर्टिकल्स। ही ऑल्सो रन्स अ टैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहाँ आपको 500 से ज्यादा टैक्स संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच अमित कुमार गुप्ता जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। वी आल्सो हैव प्रिविलेज टू होस्ट देवेंद्र सिंह, हु इज अ जीएसटी एक्सपर्ट, हु इज अ क्वालिफाइड सीए एग्जामिनर। ही क्लियर्ड सीए एग्जाम एट द एज ऑफ 23 ओनली। ही आल्सो क्लियर्ड इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जाम इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। Plus, he is also a trainer to GST department. Thank you so much, Devendra ji, for joining us today. Thank you, Jaspreet. It's a privilege to have you on show. So, Devendra ji, आज मैं आप ही के साथ conversation शुरू करती हूँ, क्योंकि आज जो questions बहुत सारे हमारे आए हैं वो advance ruling की तरफ थे। So, मैंने GST सुना हुआ था, invoicing सुना था, पता नहीं था क्या होता है, but advance ruling, it's altogether a new term. What is it all about? एडवांस रूलिंग अगर हम ध्यान से सोचें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एडवांस रूलिंग मतलब जो एक रूलिंग मिल रही है एडवांस में। जनरली क्या होता है, पहले कोई इवेंट हो चुका होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट में केस चलता है और डिसीजन आता है, रूलिंग आती है। बट एडवांस रूलिंग अभी कुछ हुआ भी नहीं है, पर कोई व्यक्ति, कोई एप्लीकेंट जो एक काम शुरू करने जा रहा है और उसको सपोज करो किसी चीज़ पर डाउट है, उसको मोबाइल के ऊपर डाउट है कि 5% का GST रेट है, 12% का है, 18% का या 28% का। अब सपोज करो कि उसके जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली GST रेट जो है वो 5% है और वो काम करना शुरू कर देता है, पर बाद में पता चलता है 2 साल के बाद GST डिपार्टमेंट वाला बताता है कि भाई नहीं, इस पर तो 12% GST रेट था और आप 7% दीजिए और इंटरेस्ट के साथ दीजिए, पेनल्टी के साथ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में उसको एक काफ़ी बड़े टैक्स का जो बोझ है जो झेलना पड़ सकता है, जो कि उसने कभी किसी रेसिपिएंट से रिकवर भी नहीं किया होगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ उसे डाउट है जी, वो पहले ही डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकता है जी, काम को शुरू करने से पहले, या काम को शुरू कर भी लिया हो तब भी वो डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकता है। वो ये जान सकता है कि जिस आइटम में वो डील कर रहा है उस पर, उसके ऊपर GST रेट क्या है। तो जब वो ऐसी रूलिंग, जब वो कोई सॉर्ट करता है, ऐसी रूलिंग कोई लेता है, तो उसको एडवांस रूलिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एडवांस रूलिंग। यूजुअली हमें लॉस रूल्स तब समझ में आते हैं जब बने हुए होते हैं। किसी रूल को जो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसके लिए जो मैं एडवांस में इंटीमेशन लेती हूँ, उसको हम एडवांस रूलिंग कहते हैं। सो अभी जो आपने हमें समझाया, उसमें आपने रेट ऑफ GST को एक अहम मुद्दा रखा। क्या सिर्फ रेट के लिए ही एडवांस रूलिंग होती है, या फिर और कौन से ऐसे सवाल हैं जो मैं GST डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकती हूँ फॉर एडवांस रूलिंग? आई कैन अप्रोच, do we have a criteria or I can ask any question? No, there are certain things which have been given in the CGST Act. GST Act में कुछ बातों का लिखा हुआ है कि आपको किसी गुड्स या सर्विस का अगर रेट पता करना है तो उसके लिए आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। यदि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है कि किसी सप्लाई की वैल्यू क्या है या सप्लाई का टाइमिंग क्या है, क्योंकि टाइमिंग से डिटरमाइन होता है कब GST लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। यदि आपका कोई ऐसा प्रश्न है तब भी आप एडवांस रूलिंग जा सकते हैं और उसका आंसर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। यदि कोई एप्लीकेंट ये जानना चाहता है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, उसको डाउट हो रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन लूँ या ना लूँ, तब भी वो मूव कर सकता है। उसको अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं समझ में आ रही, कोई नोटिफिकेशन के बारे में वो डिपार्टमेंट से जानना चाहता है, तब भी वो डिपार्टमेंट के पास जाकर, उनका एडवांस रूलिंग सेल है, वहाँ पर जाकर वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। ऐसे 6-7 स्थितियाँ जो हैं वो GST एक्ट में दी गई हैं जिनके लिए एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर पिछले 5 साल में बहुत कुछ रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई पर एडवांस रूलिंग ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। ज़्यादातर एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ ने यही कहा है कि एडवांस रूलिंग प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नहीं ली जा सकती, पर हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसके बीच में ये कहा गया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए भी एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। सो आपने क्योंकि एडवांस रूलिंग को ये कहा कि एक तरह का रूल ही है, मेरे पास लिख के नहीं आया है, मैं इसको पूछ रहा हूँ सका। सो क्या एक बार मैंने क्लैरिफिकेशन ले ली उस रूल की, तो क्या वो एक रूल बन जाता है? कैन समवन रेफर टू दैट रूल इन फ्यूचर?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अगर सपोज करो मिस्टर ए एक एप्लीकेंट हैं, उनको कोई प्रश्न है समझ नहीं आ रहा और वो एडवांस रूलिंग लेने चले गए और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक रूलिंग दे भी ली, तो क्या ये रूलिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर ए बट फॉर द होल ऑफ इंडिया जहाँ पर GST एक्ट अप्लाई करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है. जब एडवांस रूलिंग किसी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है तो वो सिर्फ ए पर एप्लीकेबल रहती है और ए के जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर पर एप्लीकेबल रहती है. उसके अलावा इस रूलिंग का कोई भी और व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता, ये किसी भी और व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. सो दिस इज अ पर्सन स्पेसिफिक रूलिंग टू ए द एप्लीकेंट हु हैज सॉट द एडवांस रूलिंग एंड टू इट्स जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर एंड नो वन एल्स. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. एंड अब अगर आप थोड़ी सी हमें समझाएं हमारे दर्शकों के लिए, अगर बता दें कि कौन से से स्टेप्स हैं, कौन से से प्रोसीजर है जिसके थ्रू मैं एडवांस रूलिंग, अगर मुझे कोई सवाल है मुझे चाहिए उसका जवाब, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? इज इट अ लॉन्ग प्रोसेस और अगर है तो क्या है? देखिए, ये भी लॉ में रूल्स में CGST रूल्स में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि एडवांस रूलिंग कैसे ली जाती है. एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना होता है जिस पर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका GST, यदि आपके पास GST नंबर अवेलेबल है वो लिखना है, अपना प्रश्न लिखना है और अगर आपके अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ रिलेटेड लॉ प्रोविज़न, कोई केस लॉ यदि आप साथ में अटैच करना चाहें, अपने अपनी बात को सामने रखना चाहें, तो वो सब अटैच कर सकते हैं. और एडवांस रूलिंग फ्री में नहीं मिलती है, इसके लिए फ़ीस भी लगती है. फ़ीस 5,000 रुपये CGST है, 5,000 रुपये SGST है पर क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन के लिए 10,000 रुपये की फीस भी लगती है. ये सब आप जमा कराइए, आपको कुछ समय के बाद एक डेट दी जाती है, आपको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, सामने प्रेजेंट होना पड़ता है, अपनी बात को फिर से रखते हैं और जब एडवांस रूलिंग आपको सुनती है और आपके जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को या आपके प्रॉपर ऑफिसर को भी सुनती है और सारे तथ्यों को एक साथ लेने के बाद वो अपनी रूलिंग देते हैं. तो ये प्रोसीजर है, बाकी सब तो CGST रूल्स में लिखा ही हुआ है कि क्या प्रोसीजर है, फॉर्म का नाम क्या है. उतना मैं टेक्निकल इस चैनल पे नहीं जाना चाहूँगा, बट यस, देयर इज अ प्रोसीजर, दैट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड एंड जनरली इट टेक्स 6 months to 12 months. सवाल यही आने वाला था, ये कितना समय लगता है उस सवाल के जवाब के लिए? 6 महीने से 1 साल के बीच में कुछ भी लग जाता है, बाकी कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है. देवेंद्र जी, ऐसा भी होता है क्या कि मेरे पास कोई रूलिंग आ गई, मैंने एक सवाल आपके सामने डिपार्टमेंट को दिया और मैं उस सवाल से जवाब जो आया है उसे सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्या ऐसी सिचुएशन भी आती है इस ऐसी सिचुएशंस में जहाँ एडवांस रूलिंग अप्रोच की जाती है? जब अपने एडवांस रूलिंग एक बार अप्रोच कर दी और आपको एक एडवांस रूलिंग मिल गई और आप उस रूलिंग से सेटिस्फाई नहीं है जी, तो आप उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं. उसको अपलेट फॉर एडवांस रूलिंग कहा जाता है, AAAR बोलते हैं, AAAR बोलते हैं, और वो एडवांस रूलिंग के लिए आप फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग. दिस इज अ प्रोसीजर. एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जनरली जब GST एक्ट में कोई प्रोविजन लगता है, कोई लॉ लगता है और आप किसी ऑर्डर या डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसके खिलाफ GST में अपील में जा सकते हैं, सेक्शन 107 के अंदर. बट अगर आप एडवांस रूलिंग के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपलेट फॉर एडवांस रूलिंग में तो जा सकते हैं, बट नॉर्मल अपील प्रोसीजर में इसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता. तो आप या तो आपके पास अपलेट फॉर एडवांस रूलिंग है या उसके पास हाई कोर्ट का जो रास्ता है वो अवेलेबल रहता है कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और आप रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं. यही प्रोसीजर जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. एंड आपने बहुत ही जब हमने वार्तालाप की शुरुआत करी थी तो मुझे लगा था कि एडवांस रूलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होने वाला है, बट आपने इसको बहुत ही सरलता से एक आम आदमी की भाषा में बहुत ही सहज रूप से हमें समझाया है. और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं, बात करते हैं हमारे टैक्स कंसल्ट अमित कुमार गुप्ता जी से, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू सो मच. अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां. अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से. ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747. बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का.
तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना, न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमने बात करी एडवांस रूलिंग की, जहां पे हमने ये समझा कि एडवांस रूलिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, क्योंकि हम इस सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हैं, आखिरी शो में हैं। तो मैं एक बार हमारे इनकम टैक्स एक्सपर्ट, बिकॉज ड्यूरिंग द सीरीज अमित जी आई मस्ट मेंशन, आपने बहुत सुंदर सुझाव दिए थे और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत छोटे सुझाव दिए थे जो कि करने में मुश्किल भी नहीं है, चाहे वो मैं एक टैक्स पेयर की नज़र से देखूं या मैं एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से देखूं। सो अगर मुझे ये कहना हो कि अमित जी आपसे पूछना हो ज़्यादा कहने से कि ऐसे कौन से सुझाव है जो आप एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट, जिससे कि हम एक और मजबूत इनकम टैक्स सिस्टम बना सकें इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू जसप्रीत एक बार फिर इस शो में बुलाने के लिए। जसप्रीत, वैसे तो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे एक टैक्स पेयर के लिए काफ़ी आसान हुआ है। उदाहरण के तौर पे पहले वो अपने रिटर्न फाइल करने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता था, अब वो अपने ऑफिस से बैठ करके अपने रिटर्न फाइल कर सकता है। रिटर्न के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते थे, अब कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना, डिपार्टमेंट आपके ऊपर ये विश्वास करता है कि जो भी आपने एग्जम्पशंस क्लेम की हैं वो सब सही क्लेम की हैं। खाली एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही एक इनकम टैक्स का स्क्रूटनी का केस लगाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे TDS है, TDS सर्टिफिकेट के लिए पहले डिपेंडेंट होना पड़ता था, अब आपके 26AS के अंदर ही सारी के सारे TDS रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने SSC के लिए किए हैं उसके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत स्कोप है काम करने का। उदाहरण के तौर पे वैसे हमारे देश में जो टैक्स रेट है इनकम टैक्स का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं है अभी, तो कुछ लोगों को जो सैलरीड क्लास है उसको ये टैक्स रेट पिंच होता है। कंपनीज के केस में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम किया है, 25% है, कई जगह ये 15% भी है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है उसके लिए अभी भी ये टैक्स रेट जो है वो 42% तक है, सरचार्ज वगैरह लगा करके। तो सैलरीड क्लास के लिए एक टैक्स रेट का रिडक्शन होना चाहिए। टैक्स रेट जो बेसिक टैक्स रेट है उसके बाद गवर्नमेंट सरचार्ज लेती है, एजुकेशन सेस लेती है, इससे एक मल्टीसिप्लिटी ऑफ टैक्सेस का एक इशारा जाता है। तो यदि गवर्नमेंट इसको खाली एक सिंपल स्लैब रेट रखे कि भाई ये टैक्स रेट आपको देना है, कोई सरचार्ज नहीं है, कोई एजुकेशन सेस नहीं है, तो ये ज़्यादा सिस्टम को बेहतर बनाएगा। दूसरा ये है मेरा सजेशन कि जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स हैं जी, वो इतने लेंदी फॉर्म्स हैं। पहले एक सरल फॉर्म हम सुनते थे, लेकिन अब वो सरल नहीं रह गया है। एक बिजनेसमैन को जो अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जी, वो 26 पेज का इनकम टैक्स का फॉर्म होता है, उसके अंदर इतनी जानकारी मांगी जाती है कि ऐसा लगता है कि सारे के सारे साल के अकाउंट्स ही उससे मांग लिए गए। तो इवन यदि हम ये देखें कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, यदि वो भी अपने रिटर्न्स जो हैं वो अपने आप फाइल नहीं कर सकते, तो एक आम आदमी जो कि एक मैसेज दिया जाता है कि ये बहुत सरल है, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना एक अपने आप में एक टास्क होता है। तो जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा सरल किया जाना चाहिए। और आपने जैसे हमारी कई बार हमने बात करी थी, आपने हमारे पिछले जो हमारे एपिसोड्स हैं उनमें हमने कि कई बार जो हमारी लायबिलिटी आ जाती है वो सही नहीं होती, या जो आपने एक बार हमें ये भी बताया कि जो इनकम टैक्स की लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है वो कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाती है कि वो अमेंडमेंट पब्लिक के फेवर में नहीं हुई है, कहीं ना कहीं टैक्स ऑफिसर के फेवर में हुई, जहाँ गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, यू करेक्ट द मिस्टेक, अदरवाइज आई विल पुट अ पेनल्टी ऑन इट। सो इन ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एज अ जहां से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है एज SSC के पास या टैक्स पेयर पे, उन चीजों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जसप्रीत जी, जो मेन इनकम टैक्स में लिटिगेशन आती है वो इस वजह से आती है कि जब भी SSC का असेसमेंट किया जाता है उसके ऊपर एक स्क्रूटनी का केस चलाया जाता है, तो वो केस इस मंशा से चलाया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और SSC दो अपोजिट पार्टीज हैं।
जबकि इनकम टैक्स असेसमेंट का ये मकसद होता है कि सही टैक्स कैलकुलेट करना जी। यदि उसने कम दिया है तो उससे और ले लीजिए, यदि उसने ज़्यादा दिया है तो उसको आप इज्जत से वापसी करें। लेकिन जब भी असेसमेंट होती है तो डिपार्टमेंट उसको एज ए ये ट्रीट करता है कि दो अपोजिट पार्टी लड़ रही हैं। तो सबसे पहले ये मानसिकता जो है वो ऑफिसर्स के दिमाग से निकाली जानी चाहिए कि वो कोई अपोजिट पार्टनर नहीं है, उनका काम यह है कि टैक्स को सही कैलकुलेट करना जी। दूसरा, एक असेसमेंट सिस्टम से एक आम नागरिक का क्या नुकसान होता है ये ऑफिसर्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा एक ये हम्बल सजेशन है गवर्नमेंट को कि जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या कमिश्नर्स हैं, उनकी कंपल्सरी स्क्रूटनी हर साल की जानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि एक स्क्रूटनी के जिस प्रोसेस से एक नॉर्मल एसएससी को गुजरना पड़ता है, वो यदि जब वो लोग गुजरेंगे और उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी तो उनको ये पता चलेगा कि ये कितना एक पेनफुल प्रोसेस है। तो क्योंकि वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, किसी से डॉक्यूमेंट मांगना बहुत आसान है, डिपार्टमेंट जो है वो 10-10 साल पुराने ये कहता है कि आप उससे कन्फर्मेशन लेके आओ। लेकिन यही ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सब ऑफिसर्स भी करते हैं, ऑफिसर्स भी शेयर्स में डील करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेकिन जब वो इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि हम किस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर्स पास करते हैं। इसी के साथ मेरा एक सजेशन ये भी है कि जो ऑफिसर्स ऑर्डर पास करते हैं, कई बार वो कोर्ट्स में जाकर के आगे नहीं टिकते, एसएससी को कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि एक ऑफिसर ने जो एक किसी का टैक्स बनाया उसका अल्टीमेट 10 साल बाद 15 साल बाद क्या इफेक्ट हुआ, वो ऑर्डर उस इनकम टैक्स ऑफिसर के कोर्ट से मैं रिलेट होना चाहिए और उससे उसको एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मिलने चाहिए। यदि कोई ऑफिसर अच्छी असेसमेंट करके जाता है, यदि कोई गवर्नमेंट को टैक्स दिलाता है, तो उससे उस बेसिस पर उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, उसको पॉइंट्स मिलने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, करोड़ों रुपए की टैक्स बना देते हैं और ऊपर जाकर के पता चलता है कि हाई कोर्ट ने सारी की सारी डिमांड छोड़ दी, तो खाली इसमें जो नुकसान होता है वो एसएससी का होता है, उसके 10-10, 15-15 साल जो है वो लिटिगेशन में चले जाते हैं। क्योंकि एक इनकम टैक्स में एक प्रावधान है कि कुछ भी यदि असेसिंग ऑफिसर ने गुड फेथ में किया है तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, और कहीं पे भी पूरे इनकम टैक्स सिस्टम में गुड फेथ को डिफाइन नहीं किया गया है। तो इतना बड़ा हमारा एक्ट है जिसके अंदर इतने सारे सेक्शंस हैं, इतनी मोटी किताब है, तो कहीं ना कहीं सरकार को गुड फेथ को भी बताना होगा कि गुड फेथ की क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि जितने ऑफिसर्स हैं वो गुड फेथ की एक शील्ड लेकर के बच जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि गुड फेथ में क्या किया क्या नहीं किया, तो जो असेसमेंट की क्वालिटी जो है वो उनकी प्रमोशन को डिटरमिन करना चाहिए। सो अमित कुमार गुप्ता जी, एक चीज जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा है, दैट इज की पेनल्टीज बहुत लगती हैं और बहुत हेवी अमाउंट की पेनल्टीज होती है। सो उससे रिलेवेंट भी कोई सजेशन ऐसा है जो गवर्नमेंट को दिया जा सकता है, या यू एज अ कंसल्टेंट यू फील दैट्स द एप्ट थिंग, किसी ने गलती करी है उसको इस लेवल की पेनल्टी तो भुगतनी ही चाहिए? जसप्रीत, इसमें मेरा ये कहना है कि हमारे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो पेनल्टीज है वो बहुत अनरियलिस्टिक है। सपोज करो कि आपने कोई 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करी जी। तो 100 रुपये की ट्रांजेक्शन के ऊपर आपके ऊपर 100 रुपये की पेनल्टी है जी। जो पेनल्टीज का एक बेसिक सिद्धांत होता है वो ये होता है कि दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम डन। लेकिन सपोज करो किसी आदमी ने 100,000 रुपये कैश में रिसीव कर लिया, तो उसके आप ऊपर 100,000 रुपये की पेनल्टी लगा देंगे जी। तो वो पेनल्टी किसी भी हालत में नहीं दे पाएगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतनी पेनल्टीज हैं, उनका अमाउंट इतना हेफ्टी अमाउंट रखा गया है कि जितना आपने टैक्स सपोज किया, आपने इवेड किया है, तो उसकी 4 गुना पेनल्टी। एक कंसेप्ट है मिस अप्रोप्रिएशन के लिए, यदि आपने कोई फैक्ट्स को मिस अप्रोप्रिएट किया है तो 4x 200% जो है वो आपसे पेनल्टी ली जा सकती है। तो इतनी यदि पेनल्टीज होंगी तो इससे क्या होता है, एक तो करप्शन बढ़ती है, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं वो पेनल्टी को ड्रॉप करने के लिए एक उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है जी। तो यदि पेनल्टीज़ को इतना ज़्यादा रखा जाएगा, थोड़ी सी पेनल्टीज़ का अमाउंट जो है और जो उनका प्रोपोर्शनेट है वो कम होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द क्राइम होना चाहिए कि जिस तरीके की। और पेनल्टी लगाने से पहले जो पेनल्टी का एक बेसिक रूल है वो ये है कि द अदर पार्टी शुड बी गिवन ए फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यदि आप उसके ऊपर पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं, उस किस गुनाह में लगा रहे हैं, उसको एटलीस्ट ये तो बताएं।
दूसरा क्या है कि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो टाइम बाय टाइम जो है हमने ये देखा है कि वो ऑफिसर्स के लिए हिदायत इशू करते हैं कि आपको ये प्रोसीजर्स फॉलो करो, जब आप किसी एसएससी को नोटिस दो तो उसके साथ उसको रीजंस बताओ कि हम आपको क्यों नोटिस दे रहे हैं। यदि एसएससी ने आपको कोई लेटर लिखा है तो आप उसको एक प्रॉपर टाइम दो कि इतने टाइम में आप जवाब दो। कई बार ऐसा होता है कि उसको दो दिन का टाइम देते हैं, दो दिन के अंदर भी सैटरडे संडे होता है और वो मंडे जाते ही उसको रश करना पड़ता है रिप्लाई दें। तो ये दो दिन का टाइम देना ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी भी टैक्स पेयर के लिए। या और बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक क्लियर ये पिक्चर आती है कि डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी को हरेस कर रहा है, तो इसके लिए टाइम टू टाइम हमारी कोर्ट्स जो है वो गाइडलाइंस इशू करती हैं, उनके लिए मैंडेट इशू करती हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि चाहे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हों, हाई कोर्ट्स ने की हों, हमारे ऑफिसर्स तक वो शायद वो बात नहीं भी पहुंच पाती, और यदि वो पहुंचती भी हैं तो फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम वो उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी कोर्ट्स के अंदर मल्टीसिपलिटी ऑफ लिटिगेशन पेंडिंग है। हमारी कोर्ट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे जजेस बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके पास इंपॉर्टेंट इश्यूज को सुनने के लिए टाइम ही नहीं बचता। वो खाली इन्हीं मैटर्स में अलझे रहते हैं कि इसको नोटिस प्रॉपर नहीं दिया, उसको मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया, तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी कोर्ट्स के पास इतनी ज़्यादा लिटिगेशन पेंडिंग है कि यदि कोई अपनी अपील फाइल करता है तो डेढ़ डेढ़ दो दो साल बाद उसका नंबर आता है, फिर तीन तीन चार चार महीने की डेट मिल जाती है, तो और वहाँ एसएससी का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जब एसएससी टैक्स में डिफॉल्ट करता है तो एसएससी से 18% का ब्याज लिया जाता है, और जब गवर्नमेंट को ब्याज देने की बारी आती है रिफंड पे तो उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एसएससी के दिमाग में ये आता है कि यदि मैंने कोई डिले कर दिया, गलती से भी डिले हो गया, तो आप उससे 18% ब्याज ले रहे हैं। 18% तो किसी भी बिजनेस के अंदर आज के टाइम में मार्जिन्स नहीं रह गए, और जब आपको रिफंड देने की बात आती है तो आप पहली बात तो रिफंड ही बहुत मुश्किल से मिलता है, और फिर आप उस पर खाली 6% इंटरेस्ट देते हैं। तो इन गैप्स को धीरे धीरे जो है वो कम किया जाना चाहिए, इससे एक टैक्स पेयर के मन में एक डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी भावना आएगी और लोग जो है खुद आकर के आगे आकर के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेंगे और टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में जो हमें दिखता है, जो हम महसूस करते हैं एज अ सिटीजन, दैट अब इन्फॉर्म्ड इंडियन इन्फॉर्म्ड इकोनॉमी फॉर्म हो रही है वेयर इन पीपल वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। अगर इस तरह की सिचुएशंस होंगी जहाँ पे प्रॉपर एम्पथी नहीं है, दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग, एंड देयर आर गैप्स फ्रॉम द अदर साइड, सो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मेरे गैप्स भी एक्सेप्ट करने चाहिए। बट ये आपने सुझाव बहुत अच्छे दिए हैं अमित कुमार गुप्ता जी, और आई एम श्योर एज अ कंसल्टेंसी बॉडी आपसे भी जब इस तरह के अमेंडमेंट्स होती होंगी लॉ में या इस तरह का कोई एक्शन होता होगा तो आपके भी सुझाव लिए जाते होंगे। तो क्या हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, एज अ लेमैन मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इस तरह का बदलाव लाने के लिए, और एज अ कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंसी बॉडी आपका क्या रोल होता है इस तरह की अमेंडमेंट्स में? जसप्रीत जी, जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो सीए की बॉडी हो, चाहे वो सीएस हो या आईसीडब्ल्यू हो या एडवोकेट्स हैं, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन जाती है गवर्नमेंट को जी। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि उन रिप्रेजेंटेशंस को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, और जो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, खाली उन्हीं लोगों के सजेशंस जनरली लिए जाते हैं। तो ये एक शायद गवर्नमेंट का माइंडसेट है, अभी नहीं चेंज हो पाया है। जो हमारा टॉप ब्रेन है, जो हमारी गवर्नमेंट का, वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन जो नीचे जो ऑफिसर्स हैं उनका अभी माइंडसेट इतना चेंज नहीं हुआ, जो सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट हैं, कि वो जो प्रोफेशनल लॉबीज जो सजेशन दे रहे हैं उनको अडॉप्ट करें, क्योंकि शायद उनके दिमाग में ये रहता हो कि इन प्रोफेशनल बॉडीज़ का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को उन सजेशंस को एक प्रॉपर पैनल होना चाहिए कि उन्होंने कौन से सजेशंस दिए, हमने उन सजेशंस को क्यों अडॉप्ट नहीं किया, हमने उन सजेशंस क्यों अडॉप्ट किया। और दूसरा एक और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि हमारे देश में जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वो कभी भी आगे नहीं आता। सपोज़ करो कभी भी रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ानी होती है तो प्रोफेशनल लॉबीज़ जाती हैं कि डेट एक्सटेंड कर दो जी।
जो नॉर्मल आदमी है उसको यदि कभी भी तकलीफ होती है तो कभी भी वो मैंने नहीं देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट मेल कर रहा हो। आज के टाइम में सीबीडीटी का भी ईमेल आईडी अवेलेबल है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट का भी अवेलेबल है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी ईमेल आईडी अवेलेबल है, लेकिन हमारे देश में जो जनरल पब्लिक है वो खुद आगे आकर के अपने अधिकारों के लिए जब तक नहीं लड़ेगी, जब तक सरकार को ये लगता रहेगा कि प्रोफेशनल बॉडीज़ का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जब तक एक आम नागरिक जाकर के अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा। सपोज़ करो 2000 लोगों को किसी चीज़ से दिक्कत है, इतने सारे ऑर्डर पास किए गए जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, यदि वो लोग एक एक सिंपल मेल भी लिखें तो कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर की मेल के अंदर 5000 मेल तो जाएंगी, कुछ तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ गलत हुआ है। तो जो जनरल पब्लिक है जब तक वो आगे नहीं आएगी, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आने की उम्मीद मुझे नहीं है। सो अभी तक हम बात करते आ रहे थे सरकार नहीं सुनती, आज आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कह दिया कि हम इफ वी वांट राइट हाउ दे हियर अस, तो बोल सुनाने के लिए बोलना जरूरी है। एक बार अगर कॉमन मैन ही अपनी प्रॉब्लम्स लेके सामने, जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं कि मैं कहां गलत कर रही हूं, आई विल अज्यूम व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। सो यस, as a person, as a layman, it's our responsibility to pass this message on to the government, and that further supports consultancy bodies who actually understand the subject matter properly, ki usko kis tarike se present kiya ja sakta hai. So to bring a change in the system, I believe all of us will have to work together. So thank you so much Amit Kumar Gupta ji, aapke suggestions hamesha hi brainstorming rahe hain, and we look forward ki next time jab hum show mein is tarah ka discussion kare to hamare tax administration system mein isme se 2% hi agar change badlav aata hai to hamare liye to wahi ek achievement hai. Thank you so much and hum dhanyawad karte hain hamare darshakon ka hamare sath jude rehne ke liye, hame itna pyar dene ke liye, hamare channels hamare shows ke sath judne ke liye. Thank you so much, jaldi aayenge agli series ke sath. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बंसल अमिगोज अलायंस से, आपका अपना ट्रैवल पार्टनर। इस हफ्ते हम बात करें कैसे हम एक अच्छा लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकें। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ करना होगा जहाँ पे हम 5-6 दिन या उससे ज़्यादा का समय बिताएं, तो हमारे लिए अच्छी एक्टिविटीज़ हों, डेली के लिए नई जगह हों, साइट सीइंग के लिए, घूमने के लिए जगहें हों। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट ने एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया जहाँ 2 दिन के लिए तो बहुत साइट सीइंग करी, उसके बाद 4 दिन सिर्फ होटल में रेस्ट कर रहा है, बोर हो रहा है। या फिर एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ किया जहाँ 5-6 दिन तक उसने लगातार खुद साइट सीइंग करी, उसके बाद 2 दिन की घर में छुट्टी लेके रेस्ट कर रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अपने ट्रैवल एजेंट से बात करनी होगी, उससे सवाल पूछने होंगे कि कैसे हम लोग एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ करें जहाँ पे हमारे पास रोज़ की एक्टिविटीज़ हो, डेली का क्या शेड्यूल होगा, सुबह किस टाइम निकलना है, शाम किस टाइम तक पहुँचना है, रोज़ के लिए कितना चलना पड़ेगा, कहाँ कहाँ हम गाड़ी से जा सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ वृद्ध लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि डेली के लिए आपको कहीं पहाड़ी पे ना चढ़ना हो, बहुत ज़्यादा चलना ना हो, एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से चूज़ करनी होगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप कोई ज़ू चूज़ कर सकते हैं, प्लानिटोरियम में जा सकते हैं, बोटिंग के लिए जा सकते हैं, पार्क में खेलने के लिए जा सकते हैं, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आप सारे यंगस्टर्स हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो लोकल नाइट लाइफ चूज़ कर सकते हैं, लोकल फूड इन्जॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आपको अपना डेस्टिनेशन, अपना प्लान अपने रूटीन के हिसाब से सेट करनी होगी। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं हम सुबह 6 बजे 5 बजे रोज उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, बिजनेस पे जाने के लिए, डेस्टिनेशन पे आए हैं यहाँ घूमने के लिए, यहाँ पे भी सुबह 8 बजे उठा दिया। लेकिन ऐसा नहीं, आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कहते हैं अगर आप 12 बजे उठेंगे तो हम 12 बजे आपके लिए फ्रेश ब्रेकफास्ट आपको सर्व करें, अगर आप शाम को 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे आपको फ्रेश ब्रेकफास्ट सिर्फ आपके लिए मिलेगा। आप रिलैक्सेशन करने के लिए आए हैं, हॉलीडे के लिए आए हैं, तो आपको कोई जल्दी नहीं है, आपके टाइम के हिसाब से हम आइसलैंड सजेस्ट करेंगे। हमारे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स अपने आप से ही हुक्म करके आते हैं, अपने आप से पूरा प्लान करके आते हैं, वो डेली के हिसाब से देखते हैं कि हमें इन एक्टिविटीज़ पर जाना है, हमें ये काम करना है। हमसे ज़्यादा वो लोग नॉलेज गेन करके आते हैं क्योंकि उनका एक अपना प्लान है, वो डेस्टिनेशन को एंजॉय करने का, अपनी यादें बनाने का।
अगर आप आने जाने के लिए देखना चाहते हैं तो आप ट्रेन से चूज़ कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आप अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता सकेंगे, आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी। आप एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो वहाँ पे एक्सपीरियंसेस हों। आप वहाँ पे चाहें तो कुछ कलनरी एक्सपीरियंस, लोकल खाना कैसे बनाएं वो सीखना है, लोकल पेंटिंग्स कैसे बनाएं, लोकल आर्टिजन प्रोडक्ट कैसे हैं, वो सब चीज़ें आपको सीखनी है। उन सब चीज़ों को आप अपने रूटीन के अंदर लेके आ सकते हैं, रोज़ के एक नए एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आप होटल ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिले, सारी एक्टिविटीज़ हो, आपको बाहर नहीं जाना पड़े, आप उसके हिसाब से अपना डेस्टिनेशन में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और जानिए कब, कहाँ, कैसे आप अपना नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकें। धन्यवाद।